हे ये देखो, निक्कू तुमने मुझे डरा दिया, क्या चल रहा है? माफ करना, देखो मिस्टर पिल्लू आने वाले हैं यहाँ के मौसम की जानकारी लेने के लिए। ये है कौन? ये कौन है? ये दुनिया के सबसे बेहतरीन मौसम के जानकार हैं। वेदर एक्सपर्ट बब्लू डब्लू स्कॉट, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मिस्टर पिल्लू, इनको हमारी मदद चाहिए। बब्लू डब्लू स्कॉट, चलो। मिस्टर पिल्लू, क्या आप मौसम की जानकारी ले रहे हैं? शायद हम मदद कर सकते हैं। हाँ जरूर, हमारे मौसम विभाग ने बताया कि इस गांव की तरफ तूफानी बादल आने वाले हैं, और इसलिए मैं यहाँ पर डेटा इकट्ठा करने आया हूँ। और जब मैं इस तरफ आ रहा था, मेरा बहुत ही जरूरी सामान पानी में गिर गया। हाँ वहाँ ठीक उस तरफ। निकू छोटे, तुम दोनों नदी के किनारे जाओ, मैं ऊपर से नदी को देखती हूँ। ठीक है। और मेरा क्या? बड़े तुम यहाँ रुको और मिस्टर पिल्लू की मदद करो। ओके डॉकी। क्या आप इस डिवाइस को हवा में फिट करने वाले हैं? नहीं, वो गुब्बारा अब चला गया है, अब हम ऐसा नहीं कर सकते। ओह रुकिए जरा, मेरे सुपर बैग में देखते हैं। देखिए मेरे पास बलून है। अच्छा, इस तरह के गुब्बारे काम नहीं करते, वो गुब्बारे बहुत स्पेशल होते हैं। हे हेलो, मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं ट्राई करता हूँ। ओके ठीक है। नहीं, मेरी मशीन। ये तो उड़ रहा है। छोटे, हमें वो डिटेक्टर वापस लाना होगा। पर क्यों? वो गुब्बारा थोड़ी देर में फूट जाएगा। मैं बड़े हूँ, मुझे मदद चाहिए। मेरा डिटेक्टर। चंदा, अच्छा कैच किया चंदा, लापरवाही मत किया करो बड़े। मुझे माफ कर दो। ओह ये लीजिए मिस्टर पिल्लू, मुझे ये केस मिल गया। सच में ये बहुत बढ़िया है। पर ढक्कन खुला था, अब बलून कहीं पे गिर गया था। मुझे ये बलून नदी के किनारे पे मिले, लेकिन ये फटा हुआ है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? चिंता मत करो मिस्टर पिल्लू, हम आपकी मदद करेंगे। मैं बताऊँ, चंदा इस डिवाइस को हवा में फिट कर सकती है। नहीं, मैं इतना ऊंचा उड़ नहीं सकती। हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा मिस्टर पिल्लू की मदद करने के लिए। वो पतंग के बारे में क्या ख्याल है? डिटेक्टर सेट हो गया है, उड़ने के लिए तैयार है। मैं भी तैयार हूँ। मैं पतंग उड़ाऊंगा। ठीक है मिस्टर पिल्लू, बड़े चलो। देखो उड़ रही है। मुझे देखने दो। ओ नहीं, हमें पतंग को थोड़ा और ऊंचा लेकर जाना होगा। सुनो, क्या तुम पतंग को और ऊंचा लेकर जा सकते हो? ठीक है। ये अटक क्यों गई? इसकी लिमिट इतनी ही है, ये ऊपर नहीं जाएगी। ये काम नहीं कर रहा। मुझे कोई डेटा नहीं मिल रहा। मिस्टर पिल्लो, हम कुछ और तरकीब सोचते हैं। और ऊंचा, बस इसी की जरूरत है।
समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे हम। मुझे पता है, मेरे टूल किट का जादू देखो दोस्तों। ये देखो, डिटेक्टर उड़ने के लिए तैयार है। ये रॉकेट मैंने साइंस कॉन्टेस्ट के लिए बनाया था, मुझे यकीन है ये हमारी मदद कर सकता है। तैयार हो, टेक ऑफ। ये नीचे क्यों आ रहा है? चिंता मत करो। हो गया, मुझे डेटा मिलने लगा है। ये रॉकेट तो बहुत बढ़िया है। मुझे पता है, ये बहुत बढ़िया है। ये काम नहीं कर रहा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? रॉकेट काफी देर तक वहाँ नहीं रुका, हमें कुछ और डेटा चाहिए। हाँ मैं यहाँ हूँ। नहीं अभी तक नहीं, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। समझ गया। अब हम क्या करें? नॉर्मल बलून का यूज करके देखें। एक बार मैं कोशिश करके देखता हूँ। नहीं नहीं, साधारण गुब्बारे मजबूत नहीं होते, ऊपर जाते ही वो फट जाएंगे, फिर सब बेकार हो जाएगा। ऐसा है तो क्या होगा अगर हम बलून को इतनी जल्दी फूटने से रोक सके? तुम्हारा क्या मतलब है, हम कैसे करेंगे? अगर एक बलून से नहीं होता है, हम बहुत सारे ले सकते हैं, ताकि डिटेक्टर लंबे समय तक हवा में उड़ सके और मौसम की जानकारी ले ले। क्या कहते हो? मेरा मतलब है कि सारे बलून एक साथ तो नहीं फूटेंगे ना दोस्तों, समझे क्या? लगता है ये काम कर सकता है। तो हम किस लिए रुके हैं? ये हो गया। मैं रॉकेट पे पैराशूट लगा दूंगा, इस तरह से डिटेक्टर टूटेगा नहीं। मैं उड़ क्यों रहा हूँ? बड़े दोस्तों, गुब्बारे तैयार हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ऊपर नहीं उड़ सकती। कोई बात नहीं, अब तुम नीचे आ सकती हो। अरे वाह, ये काम कर रहा है। गुब्बारे फटने शुरू हो गए हैं। उम्मीद है काम बन जाएगा। ये अभी भी काम कर रहा है। थोड़े बलून फूट चुके हैं। ठीक है, हमने आधा डेटा कलेक्ट कर लिया है। अरे नहीं, 70% हो चुका है। ये कहाँ जा रहा है? धत्तेरे की, ये रेंज से बाहर हो गया, हमें भागना पड़ेगा। वो देखो भाई। अरे नहीं, आगे पानी है। वो डिवाइस। मेरी बर्फ की शक्ति 1, 2, 3। हमें डेटा मिल रहा है, बस थोड़ा और चंदा। ये हो गया, हमने कर दिखाया। मैंने अपना सारा डेटा इकट्ठा कर लिया है और अब मैं अपनी रिसर्च टाइम पर खत्म कर सकता हूँ। बब्लू डब्लू स्क्वाड, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। बब्लू डब्लू स्क्वाड।